ये तो मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर ये धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है, वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। अभिषेक, कल जब आप आए थे तो आपने कहा था कि अभी कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ा नहीं है, 338 करोड़ की बात उस कोर्ट ऑर्डर में कही गई है। अब आप उस पूरे ऑर्डर को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल आप लोगों की पार्टी पर जमानत ना देते हुए खड़ा किया गया? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कल, अगर उस ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए तो एक-एक करके जो सारे आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया जी पर लगाए, वो सारे आरोप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक-एक करके खारिज किए हैं। ईडी ने जब इस केस को आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया जी को 2 करोड़ की रिश्वत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस आरोप को खारिज कर दिया। उसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी लॉन्डरिंग करी और गोवा के चुनाव में खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक-एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, उन्होंने एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रोक्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है, और जो 338 करोड़ की बात हुई है उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखता है। आप फिर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास सब ऑर्डर भी है और आप कह रहे हैं कि सारी चीजें आपके फेवरेबल भी हैं, जमानत फिर भी नहीं दी गई, तो अब आगे क्या? देखिए, ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट है, पीएमएलए, ये एक साधन बन गया है, एक तरीका बन गया है। बिना किसी भ्रष्टाचार को साबित किया आप जेल में डाल सकते हैं किसी को, आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे डीएमके का हो, उसको जेल में डालो, लेकिन सबूत दिखाकर जेल में डालो। पीएमएलए के माध्यम से, जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है, वो बिना किसी सबूत के, बिना कुछ आरोप साबित हुए, ईडी को एक माध्यम देता है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का और जेल में रखने का। तो हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो ईडी के हाथ में हथियार है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट है, वो बिना ट्रायल के, बिना आरोप साबित हुए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकता है। इसीलिए जो कल का ऑर्डर आया है उसमें इतना कुछ
खारिज होने के बावजूद बेल नहीं मिली है, क्योंकि ईडी के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि उन्हें अपने आरोप साबित करने की जरूरत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है